नमस्कार मित्रों, मैं देवेश पंडा पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक के साथ। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार ऐसी स्थिति जरूर आती है जब आदमी ये सोचता है कि वो क्या करे, वो कौन सा जॉब करे, वो बिजनेस करे, जॉब करे तो गवर्नमेंट जॉब करे कि प्राइवेट जॉब करे। ये समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में एक बार समस्या बोलो या एक बार ये स्थिति, ये विचार हर मनुष्य, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने जीवन में एक बार जरूर करता है जब उसे कुछ काम करना होता है या अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है या आगे फर्दर उसको अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इनकम की बात आती है, जब करियर की बात आती है, तो वो एक बार ज़रूर ये ज़रूर सोचता है कि वो किस लाइन में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए कि बिजनेस करे, क्या उसके लिए उचित है। वो काफ़ी लोगों से सलाह भी लेता है, हर कोई अपने बड़े बुजुर्ग से सलाह लेते हैं, अपने मित्रों से सलाह लेते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों कि सलाह हर व्यक्ति अपने हिसाब से देता है। बिजनेसमैन के पास यदि आप जाओगे और वो बिजनेस से खुश होगा, यदि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, ठीक है, तो वो आपको बिजनेस की सलाह देगा। यदि वो खुद परेशान होगा तो कभी आपको अच्छे बिजनेस की सलाह नहीं देगा। गवर्नमेंट जॉब वाले के पास जाओगे, यदि वो गवर्नमेंट जॉब से संतुष्ट होगा तो ये मान लो कि आपको वो गवर्नमेंट जॉब की सलाह देगा, यदि वो असंतुष्ट होगा तो वो भी आपको गवर्नमेंट जॉब की सलाह नहीं देगा, बोलेगा भाई गवर्नमेंट जॉब में कुछ भविष्य नहीं है, ग्रोथ नहीं है, आप प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में पैसे ज़्यादा हैं। तो प्राइवेट वाले के पास जाओगे तो बोलेगा कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेटर है, यदि वो संतुष्ट नहीं होगा, जनरली लोग जहाँ रहते हैं वहाँ संतुष्ट नहीं रहते, ये भी एक साधारण कॉमन सिद्धांत है। हर आदमी जहाँ पे है तो वहाँ पे वो कुछ ही एक अपवाद होते हैं जिनको छोड़ दिया जाए तो जीवन में जो भी जहाँ है वहाँ पे वो संतुष्ट नहीं है। सबको लगता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से सामने वाला दूसरा जो है वो ज़्यादा अच्छी जगह में है, वो ज़्यादा बेटर है, उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, उसका जॉब ज़्यादा बढ़िया है, तो इस टाइप की स्थिति है मित्रों। तो मित्रों, मेरे हिसाब से मैं तो एक ज्योतिष हूँ और ज्योतिष यही बोलेगा आपको कि आप अपने योग देखिए, आपके कुंडली में कौन से योग ज़्यादा सुटेबल हैं जॉब के कि बिजनेस के, उन योगों के अकॉर्डिंग आप अपना मार्ग का चयन करें तो आप निश्चित तरक्की उन्नति करेंगे। उसके पहले दोस्तों मैं आपको और भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप यदि आपके पास कुंडली नहीं है, उन लोगों के लिए खासकर जो लोग अपना जन्मतिथि नहीं जानते, समय नहीं जान पाते या किसी कारणवश कुंडली नहीं है उनके पास, दोस्तों उन्हें क्या करना चाहिए ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों को। उन्हें अपने कैरेक्टर्स को, अपने प्रकृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब अपने आप को समझने का कोशिश करना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस में है। यदि वो ये समझ जाए, हर कोई व्यक्ति अपने आप को समझ जाए कि नहीं मैं तो गवर्नमेंट जॉब के लायक ही हूँ, मैं प्राइवेट जॉब के लायक ही हूँ या मैं बिजनेस के लायक ही हूँ, तो ये मान लीजिए मित्रों कि उसे ना ज्योतिष की ज़रूरत है ना किसी से पूछने की ज़रूरत है। यदि आप अपने आप को समझ रहे हैं तो, अपनी प्रवृत्ति को समझ रहे हैं तो आप उसके हिसाब से आगे बढ़िए, जो आपका अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, जो आपकी प्रवृत्ति बोल रही है, तो निश्चित सफलताएं मिलेगी। और यदि आप ज्योतिष का सलाह लेना चाहते हैं तो हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए, हम आपको ये ज़रूर बता देंगे कि आपके में कौन सा योग ज़्यादा प्रबल है, उन योगों के हिसाब से आप अपना लाइन प्रोसेस कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं मित्रों उन योगों के लिए की ओर जो हमें बताएंगे कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे।
उससे पहले मित्रों मैं आपसे एक प्रेम भरा निवेदन करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन को प्रेस भी ज़रूर कर दें। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, उस पर भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, यदि आपके पास कुंडली है तो आप कुंडली को सामने रख सकते हैं। मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूँ हमेशा से, ताकि आप स्वयं ही समझ जाएं कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है। तो कुंडली में जो जॉब का हाउसेस होते हैं वो जनरली चौथा, पांचवा, छठवां हाउसेस होता है। छठवां हाउसेस को मेन माना जाता है और चौथा पांचवा से भी हम विचार करते हैं जॉब के लिए, ठीक है। और बिजनेस के लिए जो हाउसेस माने जाते हैं वो सातवां और दसवां। दसवां हमारा कर्म स्थान है, सातवें हाउसेस से भी हम बिजनेस को देखते हैं, और वो हमारा पार्टनरशिप्स और जो एसोसिएशंस होते हैं बिजनेस एसोसिएशंस, उनको भी हम सातवें हाउस से उनका विचार करते हैं। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यदि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि चौथा, पांचवा और जो छठवां हाउस क्यों जॉब के लिए है, और सातवां और दसवां हाउस क्यों बिजनेस के लिए है। क्यों चौथा, पांचवा और छठवां जो हाउस है उसमें जो इनकम होती है वो आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इनडायरेक्ट वे में आपके पास आएगी सैलरी। कभी मैंने आप सैलरी इनडायरेक्ट वे में आती है, दूसरे के थ्रू आप कुछ काम करके देते हैं तो आपको पैसा मिलता है। और वैसी सेवन्थ हाउस और टेंथ हाउस में जो भी पैसे मिलेंगे वो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, यदि आप कुछ सेल करते हो तो डायरेक्ट आपको पैसे मिल गए। तो इसलिए इन हाउसेस जो फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स है वो क्या बोलते हैं जॉब के लिए है, और सेवन्थ और टेंथ डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट सोर्सेस कहाँ से होते हैं, बिजनेस से होते हैं। तो ये सब बिजनेस, ये दोनों हाउसेस की का विचार हम बिजनेस से किया जाता है। इसके अलावा हम इलेवेंथ और सेकंड हाउस को भी विचार करते हैं, क्योंकि वो हमारा आयस और लाभेश है। तो देखने का तरीका ये है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीक़ों से मैं आपको समझाऊंगा कि यदि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स हाउस आपके स्ट्रांग है मतलब अच्छे सुग्रह बैठे हुए हैं, मजबूत हैं, तो ये आप ये मान लीजिए कि आपका जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि आपके सेवन्थ और टेंथ हाउस मजबूत हैं तो ये मान लीजिए कि आपके बिजनेस के चांसेस ज़्यादा हैं। बिजनेसमैन की कुंडली में जनरली बुध ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि बुध ज्ञान का कारक है और भी धन का कारक है। तो जनरली ये देखा गया है कि बिजनेसमैन की कुंडली में बुध ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और सर्विस क्लास, खासकर गवर्नमेंट जॉब करने, बड़े पोस्ट पे जो गवर्नमेंट जॉब पे बैठे हुए हैं प्रशासनिक, आईपीएस अधिकारी, उनके कुंडली में आप जनरली देखना सूर्य की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब फिफ्थ पोजीशन पे यदि सूर्य मजबूती के साथ या सिक्स पोजीशन पे बैठे हुए हैं और या फोर्थ पे बैठे हुए हैं, या उनकी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, तो ये मान लीजिए कि आपका जॉब, आप किसी उच्च पद पे आपका जॉब करना निश्चित है। बिजनेसमैन की कुंडलियों में सूर्य की पोजीशन थोड़ी सी, जनरली मैं सबकी माने सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली थोड़ी सी सूर्य की पोजीशन वीक रहती है। अब हम ये देखते हैं कि सिक्स पोजीशन, सिक्स हाउस जो होते हैं उस पर यदि उनका संबंध, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स हाउस का संबंध यदि आपके इलेवेंथ और सेकेंड हाउस आयस और लाभेश से बन जाता है, मतलब भाई आप कहाँ से पैसा कमा रहे हो, आपको ये तो देखना पड़ेगा। आयस
11th आयस होता है, मतलब आप आय कहाँ से कर रहे हो और लावेश आपको लाभ कहाँ से मिल रहा है। यदि इन दोनों का संबंध 4th, 5th और 6th से बन रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप जॉब के थ्रू पैसा कमाएंगे, मतलब आप जॉब करेंगे। अब यदि आपका 7th का लॉट और 10th का लॉट 11th और 2nd हाउस पे जाके बैठ गया है, या कहीं से उन आपस कोई युति बन रही है या कोई दृष्टि बन रही है, तो ये मान लीजिए कि आप बिजनेस करेंगे। 7th का लॉट यदि 10th में जाके भी बैठ जाता है सुपोजिशन अच्छे पोजीशन में और कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो भी बिजनेस करना कंफर्म है और आपको अच्छा फल देता है। बिजनेस मतलब बिजनेस में आपको अच्छा फल मिलता है। इस प्रकार दोस्तों अपन ये गणना को करते हैं। कुंडली यदि सामने हो तो और अच्छे से किया जा सकता है और अच्छे से समझाया जा सकता है। वैसे मैंने ब्रीफ में आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है। सामान्य भाषा में छठवां और सातवां घर पे विचार बन जाता है कि आप बिजनेस करने वाले हैं कि नौकरी करने वाले हैं। तो दोस्तों अब आप पहले यदि ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिष से दिखा लें। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए कि नौकरी करना चाहिए, यदि आपके योग बिजनेस के हैं आप नौकरी करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपको वापस से छोड़ के बिजनेस में आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यह है कि आप पहले से ही उस लाइन पर जाएँ जिस लाइन में ईश्वर आपको भेजना चाहता है, जिस लाइन में कुंडली आपकी बनी हुई है, नीति आपकी निर्धारित है, तो आप स्टार्टिंग से उस लाइन पर जाएंगे तो आप उस स्टार्टिंग से आपकी तरक्की होगी और आप अपने जीवन में ग्रोथ काफ़ी ऊंचाइयां को छुएंगे। तो बस इतना ही है दोस्तों आज के लिए। तो अपने कुंडली का पूरा अवलोकन करने के बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है कि बिजनेस करना है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।